वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज मुनीश। आज की इस प्रैक्टिकल इन मैथ्स की वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है घनमूल निकालने का। बाघ विधि से हम घनमूल कैसे निकालते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। आपने बहुत सी वीडियोस देखी होगी घनमूल के ऊपर यूट्यूब पर, लेकिन आपको विभाजन विधि से घनमूल निकालने की वीडियो जो मेरा तरीका है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। सेल्फ डिस्कवर्ड तरीका है ये। इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और निकालते हैं कि घनमूल हम किसी भी नंबर का कैसे निकाल सकते हैं विभाजन विधि से, जैसे कि हम वर्गमूल निकालते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूं। ये घनमूल निकालने का तरीका है जो इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है। हमें पता है कि a प्लस बी का घन किसके इक्वल होता है, ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस तीन ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, इसके इक्वल होता है। तो सबसे पहले मैं तीन तीन के इसके बंडल बनाता हूं। पहला बंडल बन गया, फिर दूसरा बंडल, और ये मेरे पास अकेला रह गया 9। अब 9 के नीचे मैं कौन सा नंबर लगाऊं कि उसका घन इसके नीचे सेटिस्फाई कर दे इसको। अब देखो, एक का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27 होता है। 27 इसके नीचे आ नहीं सकता, 1 ज्यादा छोटा है। तो 2 का घन 8, हमारे पास बचा 1। ओके, तो इस फॉर्मूले की हेल्प लेता हूं मैं आगे इसको सॉल्व करने के लिए। इसको मैं मिटा देता हूं यहां से, क्योंकि a मैं यहीं से प्राप्त करता हूं a क्यूब। अब a का मान मेरे पास 2 आ गया, इसमें 2 भरता हूं तो 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12 b, फिर हमारे पास आया 2 तिया 6 b स्क्वायर, फिर b की पावर 3। अब मुझे चाहिए b का मान। यहां से मैं एक बंडल और उतार लेता हूं नीचे, 6, 6 और 3। बी का मान इस तरह चाहिए कि इसको सेटिस्फाई कर। इसके लिए हमारे पास एक हेल्पिंग सिंबल है। यहाँ पे देखो 12 है हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास कितना है 16। 12 कम 12 होता है, 12 दूनी 24 होता है, 24 आ नहीं सकता, इसलिए बी का मान हमारे पास कितना लेते हैं हम 1। ये बी का मान ले लिया हमने, तो इसमें भरते हैं 12 कम 12, फिर 1 का स्क्वायर गुना 6, 6 आ गया, 1 की पावर 3, 1 ही आ गया। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, यहाँ पे 12 ही लिखा मैंने। इस 6 को जो भी कोई नंबर है, चाहे 1 डिजिट का है चाहे 2 डिजिट का है, हमने 1 यहाँ से छोड़ के लिखना है, यहाँ पे आ जाएगा 6, फिर 1, फिर 1 छोड़ के लिखना है 1, जो कि है इसका 1, 6, 2 और 1। कितना प्राप्त हुआ 1261। सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको, 3 में से 1 गए 2, 6 में से 6 गए 0, 6 में से 2 गए 4। ठीक है, फिर एक बंडल उतार लेते हैं 5, 9 और 7 का, और वहां हमने b का मान 1 लगाया था, वो यहां पे लगा देते हैं। अब a का मान हमारे पास आ गया 21। ठीक है, इसी प्रोसेस को दोबारा फिर करते हैं। अब हमारे पास a का मान आएगा 21। पहले a का मान हमारे पास 1 था, a के लिए हमने b का मान ढूंढा था, अब a का मान हमारे पास है, तो यहाँ पे बताता हूँ मैं, 21 का स्क्वायर 441 होता है, 441 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1323 आ गया, और b यहाँ पे पड़ा गया प्लस। फिर a का मान 21 भरते हैं, 21 दिया 63 b की पावर 2, फिर b की पावर 3। अब मैंने b का मान ढूंढना है जो इसको सेटिस्फाई कर। फिर हम उसी हेल्प लेते हैं जो पहले ट्रिक बताया था, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 40 है, 13 तिया 39 होता है, तो इसलिए b का मान एक्सपेक्टेड हमारे पास आता है 3। भर के देखते हैं, 3 भरा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब यहाँ भरा, 3 तिया 9, बी का स्क्वायर 9 तिया 27 का 7 असल 2, 9 छिका 54 और 2 56 प्लस बी की पावर 3, 3 तिया 9 तिया 27। इसको फिर जोड़ते हैं, जोड़ने का तरीका आपको पहले भी बताया था मैंने, 3969, यहाँ 7 बाहर रहना चाहिए, 56 यहाँ पे आ जाएगा, 27 है, 7 फिर बाहर आ गया, 2 यहाँ पे आ जाएगा। जोड़ के देखो इसको, 7, 9, 9 और 6,
15 का 5 असल 3, 6 और 5 11, 11 और 3 9 और 6 15, 15 का 5 असल 1, 6 और 5 11, 11 एक 1 12 का 2, कैरी 1 हो गया, 9 एक 10 0 कैरी 1 4, हमारे पास आया 402 597, तो क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। ये हमारे पास यहाँ पे बी का मान कितना आया था, 3, अब ये बन गया हमारे पास 3, तो ये हमारे पास घनमूल आ गया इस नंबर का। बहुत ही इजी मेथड है ये, ऐसा मेथड पहले कभी भी किसी भी बुक में किसी भी वीडियो में नहीं बताया गया है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसी बहुत सी वीडियोस हैं जो आपको इसी तरह की न्यू ट्रिक्स आपको मिलती रहेंगी इसी चैनल पर। मिलते हैं, थैंक यू।